Hello, children. Today we are read the story, A Gift of Chappal. The story is about a chappal. First, we start from here. Mridu. Mridu is a young girl growing up in the Madras, now called the Chennai, with Tapi. Who was Tapi? Tapi was her grandmother and Tata. Tata was her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani house to meet her cousins Lalli, Ravi and Meena. मृदु जो है एक छोटी सी लड़की है जो मद्रास में पली बड़ी है. मद्रास जिसे आज हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं. और साउथ में ग्रैंड मदर को तापी बोला जाता है और दादा को थाता कहा जाता है. एक आफ्टरनून तापी अपने आंट से मिलने के लिए गई, अपने आंट और अपने कजन लल्ली, रवि और मीना से मिलने के लिए गई. उसकी आंट का नाम था रुकुमणि. Smiling, Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. जब मृदु पहुंची तो रुकुमणि ने बहुत प्यार से स्माइल करते हुए डोर खोला और रवि और मीना भी तेजी से आए और रवि ने मृदु को घर के अंदर तेजी से खींच लिया. At that time, मृदु ने बोला, Wait, let me take off my slipper. रुको, मुझे अपना स्लीपर खोलने दो. Protest मृदु. मृदु रोकते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए कहे, He set them out neatly near a pair of large black ones. उसने अपने स्लीपर्स को एक वहां पे पहले से पड़े हुए ब्लैक स्लीपर के बगल में रखा. वो ब्लैक स्लीपर के बारे में बताया गया. द स्टोरी इज अबाउट दैट ब्लैक स्लीपर. दोस ब्लैक ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. इट मींस वो जो ब्लैक ग्रे स्लीपर था वो बहुत डस्टी था. यू कुड सी द क्लियर मार्क्स ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द इट स्लीपर. इट मीन्स ये बहुत यूज किया हुआ स्लीपर था, इसलिए उसपे जब पुराने हो जाते हैं चप्पल तो उसपे आप देखते हो कि उसपे टो मार्क्स आ जाते हैं. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड द स्कॉनी. और ये टोज के बारे में, जो टू टोज थे के मार्क्स थे वो कैसे थे, वो लॉन्ग थे और स्कॉनी. स्कॉनी मीन्स पतले थे, थिन थे. नेक्स्ट पैरा. Mridu didn't have much time to wonder about whose sleeper they were because Ravi dragged her to the backyard. It means Ravi ne use drag karke kahan le gaya, backyard mein, yani jo aapke ghar ke piche ka portion hota hai. Drag matlab kheench ke le jana, dragging. Aur Mridu ko ye sochne ka zyada time nahi mila kya ye black sleeper kiska hai. Behind the thick bitterberry bush वो कहाँ ले गया रवि उसे, एक थिक बिटर बेरी बुश के पास. बुश मीन्स झाड़ी होती है, बिटर यानी कड़वा. कड़वा बेरी, बेरी आपके छोटे से जो बेर टाइप के जो फ्रूट होते हैं उसे बेरी कहते हैं. देयर इनसाइड अ टॉट फुटबॉल लाइन विद द सैकिंग एंड फिल्ड विद द सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हार्शेल. वहां का सीन क्या था, वहां पे जब मृदु गई तो मृदु ने क्या देखा, मृदु ने देखा कि वहां पर एक पुराना टॉन मतलब फटा हुआ फुटबॉल है लाइंड विद सैकिंग. सैकिंग यानी अमेरिकन बॉल में जैसे हेक्सागोनल लाइन होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स होते हैं वही थे. और उसमें क्या भरा हुआ था, उसमें सैंड भरा हुआ था. और उस टॉन फुटबॉल के ऊपर कौन सा क्रिएचर था, एक छोटा बिल्ली का बच्चा किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ से. और वो मिल्क को लैप कर रहा था यानी जीभ से पीना, दैट इज कॉल्ड लैपिंग. और वो मिल्क किसमें था, एक कोकोनट के हाफ सेल में रखा हुआ था. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वाज म्याइंग म्याइंग पुअर थिंग सेड रवि. यहाँ पे रवि बोल रहा है क्या कि उसने इस बिल्ली के बच्चे को कहाँ से पाया है, उसने इस बिल्ली के बच्चे को मॉर्निंग में गेट के बाहर पाया है, वो वहां पे म्याऊ म्याऊ कर रही थी.
रवि ने ये एक्सप्लेन किया मृदु से, ओके, एंड ऑल्सो से इट्स अ सीक्रेट, क्या ये बिल्ली बैकयार्ड में है, ये किसी को नहीं पता है, यह एक सीक्रेट है. व्हाई व्हाई इट इज अ सीक्रेट, बिकॉज अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पडोल मामा हाउस इफ सी नोज वी हैव अ कैट. क्योंकि अम्मा ने यानी रवि की मदर ने उसे बोला है, पाटी मींस ग्रैंडमा, ओके, तमिल में ग्रैंड मदर को क्या कहा जाता है, पाटी. तो रवि को उसकी मदर मींस अम्मा ने बोला है, अगर उसकी दादी को ये पता चल जाएगा कि उन्होंने एक पेट बिल्ली को बनाया है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी और ये घर छोड़ करके कहाँ चली जाएगी, पडो मामा के घर में चली जाएगी. दैट्स व्हाई इट इज अ सीक्रेट, ओके. People are always telling us to be kind to animal, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. Here Ravi voices complaining. Ravi यहाँ पे complain कर रहा है. क्या complain कर रहा है? कि generally हमारे elders और हमें हमेशा बोलते हैं कि आप animals के साथ kind behave करो. पर जब हम ऐसा करते हैं तो वो चिल्लाते हैं, scream मतलब make a loud high pitch sound, चीखना. Oh, don't bring the dirty creature here. यानी किसी भी animals को वो घर में पसंद नहीं करते, उन्हें वो dirty creature बोलते हैं, बोलते हैं मत लाओ यहाँ. Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? यहाँ पे रवि explain कर रहा है मृदु एंड मीना को, क्या कि मुझे इस बिल्ली को दूध पिलाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी है, कितना हार्ड वर्क करना पड़ा है. अब उसे क्या करना पड़ा, लेट्स चेक. पाती सॉ मी विथ अ ग्लास इन माय हैंड जस्ट नाउ, आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वांट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी, आई हैव टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट. यहाँ पे वो बोल रहा है कि जब मैं ग्लास लेकर के आ ही रहा था, अभी की ही बात है, ये इंसिडेंट अभी हुआ है जस्ट नाउ, तो पाती ने देख लिया यानी उसकी दादी ने उसे देख लिया, तो उसने क्या एक्सक्यूज बनाया, रवि ने एक्सक्यूज बनाया क्या कि ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत हंग्री था. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और बोल रहा है कि मैं ये पी रहा हूँ, बट The way she looked at me, पर वो बहुत suspicious वे में, यानी दादी बहुत suspicious वे में रवि को देख रही थी, तो उसके उस चीज को mislead करने के लिए रवि ने क्या किया, drink most of it, यानी ज्यादा milk उसमें जो milk था वो पी गया. Why? Throw her off the scent. Throw her off the scent is phrase. इसका मतलब क्या होता है, किसी को मिसलीड करने के लिए, रियल पर्पस से हटाने के लिए कोई एक्शन करना, ओके. देन सी वांटेड द टम्बलर बैक, उसके बाद दादी ने उससे वो ग्लास वापस मांगा, पर वो ग्लास रवि ने नहीं दिया क्योंकि उसमें अभी भी मिल्क बाकी था जो उसने अपनी बिल्ली के लिए रखा था. तो रवि क्या एक्सक्यूज दे रहा है, क्या दादी को वो टम्बलर नहीं देने के लिए रवि ने क्या एक्सक्यूज दिया, रवि ने बोला पाती पाती I will wash it myself. Why should I put you to the trouble? I told her. उसने क्या बोला पाती को? पाती मैं इसे खुद धो लूंगा. मैं आपको क्यों मुश्किल में डालूं? ये काम मैं खुद कर लूंगा. मैंने ऐसा कहा और जल्दी से आया और जो बचा हुआ मिल्क था वो इस कोकोनट सेल में डाला और फिर वापस जाके टम्बलर को यानी ग्लास को वॉश करके उसे वापस सेल पे रख दिया. इससे पहले कि दादी को और भी डाउट हो जाए, बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, ओके. सस्पिशियस मींस डाउटफुल, यानी कोई भी डाउट हो उससे पहले उसने ग्लास को धो के रख दिया. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रा. अब रवि बोल रहा है कि अब मुझे कोई दूसरा वे फाइंड आउट करना पड़ेगा महेंद्रन को खिलाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसे फिर नेक्स्ट टाइम दादी ने देखा तो दादी को डाउट जरूर हो जाएगा. Who is Mahendran here? Mahendran is the name of the little kitty. वो जो किटी उसने रखा है, वो जो बिल्ली के बच्चे को रखा है, उसका नाम क्या है? Mahendran. Mahendran, this little kitty's name is Mahendran. Mridu was impressed. It was a real name.
नॉट जस्ट अ क्यूट किटी नेम। यहाँ पे जो महेंद्रन उसने नेम रखा है, इससे मृदु बहुत इम्प्रेस हुई। उसने बोला ये लिटिल किटी का नेम महेंद्रन है, ये तो रियल नेम है, मतलब ये लोगों को लोग अपने नाम रखते हैं। किटी के नेम तो कुछ जैसे किटी के नेम इतने रियल नेम टाइप के नहीं होते हैं, वो जैसे फॉक्सी रिकी इस तरीके से होते हैं। तो ये महेंद्रन कुछ उस पे फिट नहीं हो रहा है। तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए रवि ने कहा, एक्चुअली हिज नेम इज महेंद्र वर्मन पल्लवा पुनाई। वो महेंद्र भी नेम जो था महेंद्रन, वो उसका शॉर्ट था। उसका फुल नेम जो उसकी टीका है वो इससे भी बड़ा है। तो पूरा नेम क्या है, महेंद्र वर्मन पल्लवा पुनाई। अब ये नाम के पीछे जो है रवि बताएगा हिस्ट्री के, क्यों इसका नाम उसने महेंद्र वर्मन पल्लवास पुनई रखा है, जिसे वो शॉर्ट में क्या बोल रहा है, बोल रहा है मृदु ये बहुत बड़ा है, तो एम पी पुनई फॉर इफ यू लाइक, अगर आपको पसंद है तो आप इसको शॉर्ट में एम पी पुनई कह सकते हो। इसके बाद उसने अपने किटन को डिस्क्राइब किया है क्या कि उसका कैट कैसा है। तो वहां पे ये डिस्क्राइब कर रहा है, ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मैन। यानी यहाँ पे वो बोल रहा है क्या कि वो बहुत फाइन ब्रीड का कैट है, उसके फर को देखो, जस्ट लुक एट हिज फर, वो फर कैसा लग रहा है, जैसे लायंस का मैन होता है। मैन क्या होता है, जो लायंस के फेस के चारों तरफ लॉन्ग हेयर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, लायंस मैन। तो वो उसी की तरह लग रहा है। And you know what is the emblem of the ancient Pallavas king was, don't you? उसके बाद बोला तुम्हें पता है क्या Pallavas king के जो है symbol वो क्या थे, तुम्हें पता नहीं है? उसने मृदु के तरफ देखते हुए पूछा। मृदु जो है वो थोड़ा giggle कर रही थी। मृदु giggle, giggle means थोड़ा silly way में हल्का सा lightly हंसना, मतलब किसी के ऊपर जब कोई कुछ बोल रहा है तो हमें उसकी बात पे हंसी आ रही है, तो उस तरीके से मृदु ने हंसा। थिंक आई एम जोकिंग, तो रवि को लगा कि क्या तुम सोच रहे हो मैं जोकिंग कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समथिंग, क्योंकि इतना बड़ा नाम उसके पीछे इतनी हिस्ट्री बताने पे उसे हंसी आई। तो रवि ने बोला रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। और इसके साथ वो बोल रहा है कि ये तो क्लियर हो गया कि तुम लोगों को हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं आता। Haven't been to Mahabalipuram, have you? उसके बाद वो एक प्लेस के बारे में बता रहा है, बोला तुम लोग कभी महाबलीपुरम गए भी हो? He said mysteriously, mysteriously यानी एक्सप्लेन करना या किसी चीज को आइडेंटिफाई करना या समझाना जरा डिफिकल्ट हो तो। Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his thatas, 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 etc., etc. फिर उसने explain करना शुरू किया कि कभी वो स्कूल की तरफ से excursion पे महाबलीपुरम गया है। फिर वहां उसने क्या देखा है, स्टैचू देखा है। स्टैचू किसका देखा है, इसी स्किटन के दादा के दादा के दादा के दादा के एंड सो ऑन। वो अपनी कहानी बताया। तो फैक्ट क्या निकल के आया, फैक्ट इज महेंद्र हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। यानी महेंद्र जो है डिसेंडेंट है, यानी उन्हीं कैट फैमिली का से बिलोंग करता है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। और ये क्लोज रिलेटिव किसका है जो साइंटिफिकली बोला जाता है, बिल्ली, नन अदर देन द लायन, The Pallavas lion, emblem of the Pallavas dynasty. वो जो पहले क्वेश्चन पूछा था मृदु से क्या कि तुम्हें पता है क्या पल्लवास के एम्ब्लेम क्या है, तो वो क्या है, लॉयन है। जैसे इंडिया का भी एम्ब्लेम क्या है, लॉयन है, जो अशोका के सारनाथ के पिलर से लिया गया है। तो वहां पे भी यहाँ पे भी पल्लवास का जो एम्ब्लेम है वो भी लॉयन है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, यानी बैकयार्ड में क्या था, बिटर बेरी बुश था। रवि वहीं पे वॉक कर रहा है और उसके हाथ पे क्या है, और वेविंग कर रहा है अ ट्विग अप एंड डाउन। और तभी अचानक उसकी आंख क्या होती है, चमकती है, हिज आई स्पार्किंग, उसे कोई आइडिया आता है जिसे वो अब एक्सप्लेन करेगा। अब वो अपने कैट के बारे में क्या एक्सप्लेन करेगा,
This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. अब क्या बोल रहा है ये cat और कोई नहीं है descendant किसकी है Mahabalipuram के Rishi cat की. Okay? Mahabalipuram के जो ऋषि थे उसके cat वो Rishi cat भी थी और उसका descendant है. And if I may just remind you, they worship cat in ancient Egypt. अब ये कहानी महाबलीपुरम से कहाँ चली जा रही है? इजिप्ट चली जा रही है. अब वो remind करा रहा है मृदु एंड मीना को क्या they worship cat in यानी इजिप्ट में क्या था cat की पूजा की जाती थी. How he loved the sound of his own voice. Meena and Mridul exchange look. यहाँ पे रवि बोल रहा है और मीना और मृदुल बोल नहीं रही है. वो एक दूसरे को आंखों से देख के सारा करे कि ये अपने बातों से ही बहुत प्यार कर रहा है. समझे अपनी ही बातों में वो खोया हुआ है. अब मृदु क्या डिमांड कर रही है. What does that have to do with anything? मृदु demanded. मतलब तुम कुछ भी कर रहे हो. What does that have to do with anything? तो रवि बोलता है I am telling you that cat is descendant. बोलता हाँ मैं सही बोल रहा हूँ ये cat जो है descendant है. किसका है? तो first वो बोलता है from Egypt cat god. पहले वो गलत बोल जाता है क्योंकि Egyptian cat god नहीं है cat goddess है. okay? तो फिर वो उसको ठीक करता है no goddess. वो कौन थे किसकी डिसेंडेंट है इजिप्टियन कैट गॉडेस की जिसे वहां पे क्या बोला जाता है इजिप्ट में बेस्टेट. या दैट्स इट. सो ये जो आप देख रहे हो ये इजिप्ट में इसी तरीके के फिगर की पूजा की जाती है जिसे बेस्टेट कहा जाता है जो कैट गॉडेस है. वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज अ स्टोअवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप. अब वो इजिप्ट से इंडिया कैसे आया उसकी कहानी बता रहा है कि उसी में से उसी कैट गॉडेस के एक डिसेंडेंट जो है वो पल्लवास के शिप में छिपके यहाँ आ गए. और यही जो है ये ऋषि कैट भी इसी के डिसेंडेंट है. यानी ऋषि कैट भी आपके इजिप्टियन गॉडेस वेस्टेट के ही डिसेंडेंट हैं. रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विग एट महेंद्र. महेंद्रन की तरफ वो जो है ट्विक्स यानी जो टहनी होती है उसको किया. और एमपी पुनई जो यहाँ है ये भी उसी का डिसेंडेंट है. और ये कह करके वो बहुत चिल्लाता है खुश होकर के विथ हिमसेल्फ. ही स्ट्राइक वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ. क्या उसने पूरा एक्सप्लेन अच्छे से अपनी जो कहानी बनाई है जो हिस्ट्री को उससे रिलेट करके जो उसने एक एज्यूम किया है स्टोरी उसे उसने पूरा कंप्लीट किया. Now, Mahendran looked alarmed. अब यहाँ पे कैट के बारे में बोला गया कि वो बिल्कुल सतर्क हो जा रहा है. क्यों? क्यों वो अलार्म्ड हो गया? He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. वो क्या कर रहा था? अभी तक जितने देर रवि जो स्टोरी बोल रहा था तो महेंद्रन जो वो किटन था वो क्या कर रहा था? वो अपने क्लॉज को शार्प कर रहा था. किससे कर रहा था? कोकोनट सेल के एज से शार्प कर रहा था. बट वॉज थिन रवि ऑफुल बुक इट वॉज अ क्रीच. पर उस समय क्या गलत हो गया? एक बहुत अजीब सी आवाज आई क्रीच की. क्रीच यानी एक मेटलिक साउंड. फ्रॉम द विंडो. कहाँ से आई? विंडो से. व्हाट अ वियर्ड साउंड. मृदु वॉज स्टार्टेड. यहाँ पे मृदु भी क्या हो गए? वो भी अलार्म्ड और शॉक्ड हो गए. एमपी पुनई वॉज फ्राइटेन आउट ऑफ हिज बिट्स. और एमपी पुनई भी क्या हो गया? वो भी डर गया. उसके जो थे रोंगटे खड़े हो जाने. हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड. हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड. और ही बाउंस्ड अप एंड स्क्यूड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिली. और क्या किया? वो जंप लगा करके तेजी से एक बैम्बू ट्री था जिसमें रेड चिली ड्राई होने के लिए रखी गई थी उसके अंदर चला गया और उससे वो अपने आप को छिपा लिया. He tipped a few chilies over himself. उसने थोड़ी सी चिली अपने ऊपर भी रख ली. Meow, he howled miserably. और वो बहुत मौत मौत पुरने क्राई करने लगा. The creaking went on and on. What's that noise? said Mridu. क्रीचिंग साउंड जो है वो बढ़ता गया बढ़ता ही जा रहा था. व्हाट्स दैट नॉइज़ मृदु ने
तो बोला ये कैसी आवाज है। तो रवि एक्सप्लेन करते हुए कहा, यानी लो वॉइस में थोड़ी भारी आवाज में बोला, दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन। वो बताएगा लल्ली जो है वो वायलिन सीख रही है, वायलिन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो सीख रही है। और उसके साथ फिर वो कंप्लेन कर रहा है लल्ली के बारे में, क्या कंप्लेन कर रहा है, शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी भी कोई भी चीज नहीं सीख सकेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन व्हाइल लली लली इज ऑल द टाइम डीरेलिंग गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि कैसे म्यूजिक मास्टर के बारे में वो बोल रहा है कि वो बहुत अच्छे से वायलिन बजाते हैं, ऐसा लगता है जब वो वायलिन प्ले करते हैं तो जैसे लगता है क्या कि ट्रेन एक ट्रैक पे आराम से चल रही है, और जब लाली उसी को फॉलो करके बजाना चाहती है तो ऐसा लगता है कि ट्रेन डिरेल हो गए, यानी वो उसके नोट्स जो है बिल्कुल ऑफ ट्रैक चले जाते हैं और वही आवाज उन्हें सुनाई पड़ रही है। That's all.